नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं उत्तराखंड में SI की भर्ती आई हुई है उसके बारे में। ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखते हैं उसका, ये जारी किया गया था उत्तराखंड अधीन सेवा चयन बोर्ड द्वारा, जो आयोग है उसके द्वारा, देहरादून, यानी उत्तराखंड की यह चयन हेतु विज्ञप्ति जारी की गई थी। कब की गई थी ये की थी 3 जनवरी 2022 को विज्ञप्ति की गई जारी की गई थी। इसकी ऑनलाइन फॉर्म कब भरे जाएंगे तो यहाँ देख लो। विज्ञप्ति विज्ञापन प्रकाश अन की तिथि 3 जनवरी 2022 को जो विभाग विज्ञापन है वो जारी किया था। और ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की तिथि 8 जनवरी 2022 है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 21 फरवरी 2022 है। लिखित परीक्षा का अनुमानित समय जुलाई 2022 में क्या होगी? लिखित परीक्षा होगी, ये अनुमानित समय ये निर्धारित नहीं है, इसको आगे पीछे भी किया जा सकता है। उसके बाद आगे है, यहाँ रजिस्ट्रेशन से संबंधित कुछ दिया गया है। अगर कोई भी समस्या हो आपको फॉर्म भरते समय तो ये नंबर दिया गया है, इस नंबर से आप कॉल कर सकते हैं। और व्हाट्सएप से मैसेज के लिए अलग ये नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और ईमेल से सूचना प्राप्त करनी हो या कुछ मेल भेजना हो तो ये उनकी ईमेल आईडी है, इस पर आप भेज सकते हो। सर्वप्रथम आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद आगे फॉर्म फिल करना होगा। तो हम आगे देख लेते हैं, अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने से पूर्व विज्ञप्ति की समस्त शर्तें अहर्ताओं तथा विज्ञप्ति के अंत में दिए गए निर्देशों की भलीभांति अवश्य पढ़ ले, यानी जो निर्देश दिए गए वो भलीभांति पढ़ ले। उसके बाद रिक्तियों का विवरण एवं क्षेत्रीय आरक्षण की स्थिति, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, पुलिस में जो कितने पद है उसके बारे में हम देखेंगे। ये देखो, अन्य जाति है वो 13 पद है, और अन्य जनजाति के 2 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के 9 पद, सामान्य के 35 पद, कुल 65 पद है। उसमें भी ये अलग अलग आरक्षित किए गए हैं। और उसके बाद उप निरीक्षक अधिसूचना, इसमें कितने पद है? इसमें कुल 43 पद है, 9 पद, 1 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के 6 पद, सामान्य के 23 पद, इस प्रकार कुल है। और इसकी वेतनमान है वो 44,900 से 1,42,400 तक आपको पे लेवल S7 से मिलेगा। और इसकी आयु है वो 21 से 28 वर्ष तक है। शैक्षिक अर्हताएँ क्या होनी चाहिए? भारत के विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय द्वारा अनुसंधक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई शैक्षिक योग्यता आधारित होना चाहिए, यानी BA पास होना चाहिए, यानी BA हो, BSc हो, जो भी हो, मतलब कॉलेज किया हुआ होना चाहिए। उसके बाद हम देख लेते हैं इसकी मानक परीक्षा है वो क्या होगी। सामान्य जाति, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 167.76 सेमी है पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए 152 सेमी निर्धारित की गई है। उसके बाद उसे अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 160 सेमी और महिलाओं के लिए 147 सेमी, पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए 162.60 सेमी और 147 सेमी निर्धारित की गई है। यहाँ सिन्हा कितना दिया गया है जो देख लेते हैं, 78.8 बिना फुलाए के दिया गया है, पर फुलाने पर न्यूनतम 83.8 होना चाहिए, यानी 78 से 83 के मध्य होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति व पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 76 से 81 तक होना चाहिए। और शारीरिक वजन 45 किग्रा है, केवल महिलाओं के लिए है। सिन्हे में 5 सेमी फुलाव का अनिवार्य है। पर्वत के क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं ये अलग अलग दिया गया, देहरादून, पूरी, चकराता, तहसील था। आप ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन पूरा पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आगे देखते हैं पुरुष अभ्यर्थियों हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा। क्रिकेट बॉल थ्रो, यानी क्रिकेट की बॉल है वो थ्रो करनी है, 50 मीटर लंबी कूद है 13 फीट, चिन अप है 5 बार, और चिन अप है 5 बार, दौड़ व चाल है 5 किमी, 30 मिनट में पूरी करनी होगी। दंड बैठक है 2 मिनट 30 सेकंड में 40 दंड है, और 60 सेकंड में 50 बैठक है, ये दंड बैठक है। इसके होने के बाद अब महिला अभ्यर्थियों में क्या दिया गया है, महिला अभ्यर्थियों में क्रिकेट बॉल थ्रो है, 20 मीटर लंबी कूद है, 8 फीट, दौड़ व चाल है 200 मीटर 40 सेकंड में, स्किपिंग है 1 मिनट 60 सेकंड में, शटल रेस है 25 × 4 29 सेकंड में आपको लगाना पड़ेगा। उसके बाद एक स्वास्थ्य परीक्षा होगा, उसके बाद लिखित परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रम, यानी पाठ्यक्रम क्या दिया गया है कि चयनित अभ्यर्थियों की वस्तुनिष्ठ
दो घंटों की एक लिखित परीक्षा होगी जिसमें सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, उत्तराखंड की जानकारी सहित का एक प्रश्न होगा, यानी इसमें उत्तराखंड का भी जीके शामिल है। हिंदी सामान्य ज्ञान के सब प्रश्न आएंगे। उसी प्रकार ये अलग अलग दिया गया है, ये गुलनायक के अलग अलग पद कितने पद हैं, उनकी क्या योग्यता है, ये संपूर्ण डिटेल दी गई है। उसके बाद है शारीरिक दक्षता परीक्षा, अग्निशमन में कितने पद दिए गए, कुल 24 पद दिए गए हैं, इनका अलग अलग विवरण है। अनिवार्य अर्थ सभी में कुल मिला के सेम है शैक्षिक योग्यताएँ। ये वीडियो हमने आपको बता दिया है पूरा डिटेल, और कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट में आप कमेंट कर देना, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। हमारे अलम स्टडी एंड जॉब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले पहुंच जाए, और कोई भी समस्या हो तो कमेंट कर देना, हम तुरंत उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।